एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तृप्ति दुमरी इंस्पायर्ड मेकअप लुक फ्रॉम बुलबुल। ये वाली जो लुक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो इसीलिए मैंने इस लुक को रिक्रिएट किया है एंड होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना एंड अगर आप लोग देखना चाहते हो मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है, सो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए बिना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी फ्रंट की हेयर्स को मैं लेके दो ब्रेड बनाऊंगी सामने से, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो पर। तो मैं सिर्फ फ्रंट की जो हेयर्स है उनको थोड़ी सी कर्ल्स मतलब कर रही हूँ। उसके बाद फेस मेकअप पर जाऊंगी, एल्फ गुडनेस की क्यूकुम्बर टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद गुड वाइब्स की अंडर आई सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छे से फिंगर की मदद से मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ इसे। एंड उसके बाद फेस मेकअप पर जा रही हूँ, ब्लू हेवन की प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये प्राइमर काफ़ी अच्छी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ पॉन्स की बीबी क्रीम। ये जो मेकअप लुक है ये काफ़ी नेचुरल है, तो इसलिए मैं पॉन्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी नेचुरल लुक देती है आपको, काफ़ी श्योर कवरेज देती है, काफ़ी अच्छी लगती है। डेली बेसिस में आप इसे ट्राई करके देख सकते हो एंड समर के लिए ये बीबी क्रीम बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की। अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज, माउथ के पास मैं थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की मदद से, अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग सेम बीबी क्रीम को एज ए कंसीलर यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है तो। उसके बाद मैं अपनी अपर आईलिड्स पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद ब्लेंड भी कर लिया है। उसके बाद सेट कर लूँगी लैक्मे की ये सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट की मदद से, अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद मेवलिन वी फेस ब्लश कॉन्टोर पैलेट से मैं ब्लश वाली शेड को मैं पिक कर रही हूँ एंड एक ब्रश की मदद से मैं अपनी फुल आईलिड्स पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं जस्ट थोड़ी सी कलर देना चाहती थी, इसीलिए मैं इस कलर से मैं अच्छे से मैं हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद एस क्यू की काजल ले रही हूँ, मैं अपनी अपर वाटर लाइन में मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल को एंड आप देख सकते हो इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है आईज़ पर। उसके बाद मेवलिन लेस सेंसेशन मस्कारा से मैं अपनी अपर एंड बॉटम लैशेस पर अच्छे से कोट कर रही हूँ। ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक अच्छी वाटरप्रूफ मस्कारा आप ढूंढ रहे हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ करके देख सकते हो। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड की पैलेट से डार्क ब्राउन शेड को मैं पिक कर रही हूँ एंड मैं इसके मदद से मैं अपने आईब्रोज़ को मैं फील कर रही हूँ एंड उसके बाद फिंगर के मदद से मैं थोड़ी सी एक्सेस को रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद सेम कॉम्पैक्ट से मैं अपने फुल फेस को अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ ताकि मेरी फेस कहीं से भी चिपचिपा ना लगे। उसके बाद सेम ब्लश वाली पैलेट से थोड़ी सी ब्लश अप्लाई कर रही हूँ चीक्स पर एंड मैं नोज़ को थोड़ी सी कंट्रोल कर रही हूँ सेम पैलेट से। मैं नोज़ को थोड़ी सी कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि इस लुक में नोज़ थोड़ी सी कंट्रोल मुझे लगी। उसके बाद हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये जो हाइलाइटर है काफ़ी सुंदर सा एक शेड है, शैम्पेन सा शेड है, इसे मैं अपनी फेस पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद ये निका के ट्रू मैट जो लिपस्टिक है उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर से मैं ये पिंक बेबी लिप्स से मैं ऊपर से मैं जस्ट अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हो। उसके बाद लॉरियल की फिक्सर से मैं अपने फुल फेस को अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ। इस लुक में कुछ इस तरह से अप्लाई किया है एंड दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक।